एक तरफ जहां सत्ता पक्ष जोहार आभार यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने को लेकर जुटा हुआ है, वहीं विपक्ष यानी भाजपा तंज कस रहा है इस यात्रा को लेकर। भाजपा के पूर्व विधायक सब अपने बातों से तंज कसने में माहिर, लच्छेदार लहजों के जरिए सत्येंद्रनाथ तिवारी द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि यह आभार यात्रा नहीं बल्कि सरकार की अंतिम यात्रा है। साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। आभार यात्रा और सबको आभार जताने जो मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम 8 तारीख को तय हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मानसिक विकृति है। ये समझिए, आपने 1932 के खतियान को विधानसभा में विधेयक का रूप दिया, वह विधेयक 5 किलोमीटर बगल में गवर्नर हाउस तक आज तक वह विधेयक नहीं पहुंच पाया, जो आपकी गंभीरता को परिलक्षित करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मुख्यमंत्री हेमंत जी 1932 के आधार पर नियोजन नीति खतियान चिन्हित करेंगे, वही स्थानीय होगा, परिभाषित करेंगे, ये सब ढकोसला है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करके खुद अपना पीठ ठोकपाते चल रहे हैं। और यह कार्यक्रम हम कह सकते हैं गढ़वा में तो 100% विफल होगा, क्योंकि गढ़वा के पढ़े लिखे नौजवान का प्रश्न अलग है। आज यक्ष प्रश्न है कि आपने हिंदी अंग्रेजी को हटा दिया, अब नया आइटम खतियान आप लॉन्च कर दिए। अब अगर 1932 के खतियान अगर आप सही में लागू करना चाहते हैं तो उसमें तो पावर आपको था, आप तो विधानसभा में पारित करते, कुछ उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते। आप तो 1932 के खतियान के आधार पर आप यहाँ के नियोजन को प्रतिबंधित कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। मैं कह सकता हूँ यह आभार यात्रा 100% फेल्यूर यात्रा है। हम कह सकते हैं यह इनका अंतिम यात्रा हो सकता है। अंतिम यात्रा इसलिए कह सकते हैं कि आज चले जाइए गांव घर में, लोग को कहना है कि भाई 1932 का खतियान क्या लागू हो गया, अगर लागू नहीं होगा तो किस चीज का आभारी व्यक्त करते चलते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ यह कार्यक्रम इनका टाटा फीस होगा, यह कार्यक्रम फेल होगा। लेकिन तब है कि भैया जी वह गढ़वा से विधायक सुना है कि बढ़िया है, वो गायिका को ले आया, हमारे प्रचार हो रहा है, एक बार भी माइक में नहीं कह रहा है कि हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं, बस ये कही रहा है कौन तक कलाकारीन है उपाध्याय जी वे आ रहे हैं, ओकरे नाम पर भीड़ जुटा लेंगे। अब भीड़ जुटा करके अब दे ले लेंगे भाषण कड़कड़ा के। भैया जी अभी कहेगा कि आजकल बालू चोरी हम बंद कर दिए, आजकल हम घर मजे हुआ जमीन के माल बनाना कम कर दिए हैं, सब नोटंकी है, पब्लिक को पता है। ये 100% यह कार्यक्रम इनका फेल कार्यक्रम।